बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने इस ब्लेंडर का रिव्यू किया था, तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ कि हम इसको चेक करेंगे कि मेरा रिव्यू कितना सही था या कितना गलत था। चले स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर ये मेरे पास फ्रोजन फ्रूट है जिसमें स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और बनाना है, और ये आइस है, ये हम वाटरमेलन का यूज करेंगे, काला नमक है, शहद है और लेमन है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सारी चीजें डालूंगी और उसके बाद मैं वापस आऊंगी। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर सारा फ्रोजन फ्रूट भी डाल दिया है और इसके ऊपर आइस भी डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने चीनी डाली है इसमें चीनी डाल लें, अगर आपने हनी डालना है हनी इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसमें हम हनी ऐड कर देंगे और इसको हम फिर ब्लेंड करेंगे। देखिए हम ये इसमें ये चीजें जो थी वो हार्ड थी। अगर हमारे पास स्पिनेच और इस तरह की चीजें होंगी सॉफ्ट सॉफ्ट, हम अल्ट्रा ब्लेंड का प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ये बना लेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बनके कुछ इस तरह का आया है और इसमें मैंने पानी डाला था। आप अगर जूस पसंद करते हैं तो आप जूस भी डाल सकते हैं, हमारे पास इस टाइम जूस अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हमने इसमें पानी डाल दिया। तो अब हम सीनियर सिटीजन के पास जाएंगे और उनसे रिव्यू लेंगे। वेरी डिलीशियस, सही ग्राइंड हुआ और ये दूसरे ब्लेंडर से ये डिफरेंट है या सही है? उससे अच्छा है, फ्रेश है तो अच्छा। मम्मी आप रिकमेंड करती हैं कि मैं ये लेना चाहिए कि नहीं? आप रिकमेंड करती हैं? चलें जी, अब सीनियर सिटीजन ने तो इसको अप्रूव कर दिया तो अब हम किड्स के पास आएंगे। चलें जी, हमारी पहली रेसिपी तो अप्रूव हो गई, अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वाटरमेलन और इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक और इसमें हम थोड़ा सा लेमन जाएगा। तो इसको भी हम करके तो फिर हम जो है वो बच्चों के पास जाएंगे और उनको उनसे पूछेंगे कि ये कैसा बना है। देखें कि ये हम लोगों ने इसको बना लिया है। इसके अंदर मैंने सॉल्ट और लेमन जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको भी ट्राई करेंगे ये कैसा बना है और हम जो है तो इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। और हम जो है वो यूथ से पूछ रहे हैं कि यूथ का क्या रिव्यू है इस बारे में। जी बताइए। मजे का है। मजे का है? तो आप रिकमेंड करते हो इस ब्लेंडर को? चलो ठीक है। तो चलें जी, यूथ का जो है वो बहुत ठंडा सा जो रिस्पॉन्स है वो आया था, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो पर्सनली निंजा का जो ब्लेंडर है वो बहुत पसंद आया है। और मैं आप लोग भी लें इसको करें और बताएं कि कैसा है। और अगर मैं कहूँ तो मुझे तो भाई निंजा वाले जाना, वो अपना ब्रांड एम्बेसिडर रख लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।